Hey guys, my name is Akshita Mudgal. I'm 19 years old. My height is 5'4 and these are my profiles. Okay, it's kind of funny. You must be thinking, what am I doing? But I think ek actor ki journey na shuru hi aise hoti hai with introduction. So I think this is the best way I could start my TED talk. Okay, so often people ask me that main actor kaise bani? Ya fir maine khud se choose kiya ya fir this industry just happened to me. So I'll tell you my story today, how I became an actor. So this started with me being a dancer. So yes, I'm a dancer turned actor. So मैंने सबसे पहले डांस इंडिया डांस किया था एंड विल टेल यू लेटर कैसे मैं इस इंडस्ट्री में आई. उससे पहले मेरी डांसिंग की जर्नी बताती हूँ. इट्स वेरी इंटरेस्टिंग. मैं छोटी थी, अभी भी हूँ, उस वक्त और छोटी थी. तो सबसे पहले होता है ना, एक्टिंग मुझे करनी ही थी क्योंकि मैं मिरर के आगे खड़े होकर वो लटकाज एंड झटकाज जो बच्चे नहीं करते रहते हैं. तो मैं कोई फिल्म देख के आई, कोई सीरियल देख कर आई, आई एम स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ द मिरर एंड आई एम इनएक्टिंग द सीन और इट्स जस्ट माई इमेजिनरी वर्ल्ड वेयर आई हैव ओनली क्रिएटेड अ कैरेक्टर एंड आई एम प्लेइंग. तो मैं ये सारी हरकतें करती थी डेली बेसिस. वंस आई गॉट कॉट बाय माई पेरेंट्स डूइंग दिस स्टफ इन फ्रंट ऑफ द मिरर एंड आई वॉज सुपर एम्बेरस्ड. देयर वॉज दिस ऑकवर्ड साइलेंस एंड लाइक शिट, एम आई डेड डेड और वॉट. बट देन दे स्टार्टेड लाफिंग बिकॉज दे वर लाइक यू लुकिंग सो क्यूट डूइंग ऑल दिस. देन आई वाज लाइक, ओह, ग्रीन सिग्नल, आई कैन बी एन एक्टर. तो सबसे पहले लोगों को यही होता है ना कि फैमिली कैसे रिएक्ट करेगी चीज़ों के लिए. बट टच वुड, आई एम टू ब्लेस्ड, आई एम टू ब्लेस्ड इन माई लाइफ दैट आई गॉट सच एन अमेजिंग पेरेंट्स, माई फैमिली, माई बैक सपोर्ट. आज तक मुझे हर चीज़ में सपोर्ट किया है उन्होंने. सो येस, सबसे पहले मेरे मुंबई आना ही डांसिंग की वजह से हुआ था, फॉर डांसिंग या डांस. तब आई थिंक मैं सबसे पहले मुंबई आई थी और जब डांसिंग या डांस खत्म हुआ मेरे लिए तो आई वेंट बैक टू माई होम टाउन आगरा. मैं आगरा से हूँ, सिटी ऑफ लव जिसे कहते हैं, ताज नगरी जिसे कहा जाता है. तो मैं आगरा से हूँ. मैं घर चली गई एंड देन ऑब्वियसली वो जो एक्टिंग का कीड़ा था ना वो हमेशा से था. बट मेरा फर्स्ट प्रोफेशन वॉज डांसिंग, तो आई वॉज मोर कीन टूवर्ड्स माई डांसिंग करियर. बट देन आई डेंट हैव एनी आइडिया हाउ टू एक्चुअली परस्यू एक्टिंग एज अ करियर. सो यू नो आई वॉज लिटिल स्केप्टिकल एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम दैट हाउ टू टेक दिस अहेड. बट आई डोंट नो, सम हाउ जब मैं आगरा वापस गई तो मेरी मॉम को ना ऑडिशन के मैसेजेस आने लग गए कि ये ऑडिशन है यहाँ पे एंड आई एम तो ऑल येस आई वॉन्ट टू डू माई, आई वॉन्ट टू गो, आई वॉन्ट टू ऑडिशन, आई वॉन्ट टू डू एक्टिंग. एंड दे लाइक, ये यहाँ आगरा में नहीं है, मुंबई में है. सो इज़ लाइक, मुझे लेके चलो. तो मेरी फैमिली को ऐसा था कि बच्ची को करना है, चलो लेके चलो. तो इस तरह मैं मुंबई आई एंड यू नो द मोमेंट आई स्टेप्ड, मैं जैसी मुंबई आई सबसे पहले आई गॉट माई ऑडिशन, फर्स्ट ऑडिशन. एंड आई रिमेंबर वो ऑडिशन मैंने दिया था. यू नो आपको कुछ पता नहीं है वे टू ऑडिशन, कहाँ क्या सेंटा क्रूज है, क्या दादर है, क्या अंधेरी है, यू हैव नो आइडिया. एंड आई हैव नो वन, लाइक मेरी फैमिली, मेरे फैमिली बैकग्राउंड में इस इंडस्ट्री से कोई नहीं है. माई फ्रेंड्स, माई रिलेटिव, फ्रेंड्स ऑफ रिलेटिव, नो वन. सो यू नो वी हैड नो आइडिया वे टू गो, वॉट टू डू. बट देन यू लाइक, ओके चलो चलते हैं. तो मैं आई मुंबई और मैंने अपना पहला ऑडिशन दिया. आई रिमेंबर वो एक एड शूट था, वो ऑडिशन में मैं पास भी हो गई और सबसे पहला मुझे कॉम्प्लीमेंट उस एड शूट के ऑडिशन पे ही मिला. दैन आई एम सो कॉन्फिडेंट एंड आई वाज लाइक टॉकिंग टू मी कॉन्फिडेंट इन फ्रंट ऑफ द कैमरा क्लियरली. सो हाँ, मैं बड़ा उस टाइम पैसे हो गई थी, ओह आ गई सुपरस्टार, व्हाट एल्स यू वांट. तो बचपन में ना बड़ा एटीट्यूड होता है, बचपन अभी भी मेरा बचपन है पर एटीट्यूड नहीं है. तो ठीक है, स्टार्ट किया मैंने वो शूट किया. धीरे धीरे जैसे मैंने ऑडिशंस दिए और यू नो वो स्ट्रगल पीरियड एक्चुअली हर किसी की लाइफ में होता है. इट्स नॉट दैट मेरी लाइफ में बड़ा सॉर्टेड था सब कुछ. यू नो आप हर एक घर छोड़ के आते हो यहाँ पर मुंबई, जहाँ पे आपके पास घर पे सब कुछ है, यू हैव ऑल शान और शौकत, एंड देन यू कम टू मुंबई जहाँ पे आपका कोई नहीं है, देयर इज़ नो वन फॉर यू एंड यू नो यू हैव नो आइडिया अबाउट थिंग्स, हाउ टू परस्यू योर करियर और एनीथिंग. बट टच वुड, आई हैड माय मॉम, मेरी मॉम थी मेरे साथ मेरे पूरे स्ट्रगल में, मेरी पूरी फैमिली ने इतना सपोर्ट किया है. सो या, दे गाइज आर माई स्ट्रेंथ एंड दैट्स हाउ आई स्टार्टेड माई करियर एज एन एक्टर. तो वो स्ट्रगल पीरियड सबका होता है, इट्स टू टिपिकल नाउ. तो स्ट्रगल पीरियड देखा, सब कुछ धीरे धीरे जा जाके यू नो आई स्टार्टेड फ्रॉम जीरो एंड देन आज भी मैं अपने गोल तक तो नहीं पहुँची हूँ. आई एम स्टिल स्ट्रगलिंग, वी ऑल आर स्ट्रगलिंग. बट देन यहाँ तक स्टेबल होना, ये जर्नी बहुत अमेजिंग रही है. तो येस, मैंने जब ऑडिशन देने शुरू किया, आई रियलाइज दिस इज समथिंग दैट आई लव एंड आई वॉन्ट टू डू. सो आई एम टू कीन, मुझे अभी यही करना है, दिस इज माई प्रोफेशन, दिस इज व्हाट आई लव, दिस इज व्हाट आई लव टू डू. तो मैंने मॉम डैड को बोल दिया कि मुझे यही करना है, तो अब आप देख लो. एंड दे गाइज आर ऑलवेज येस कि तुम्हें क्या करना है, वॉट एवर यू एन्जॉय इज योर प्रोफेशन, तो आप करो. तो धीरे धीरे मैं और मेरी मॉम यहाँ पे शिफ्ट हो गए थे
एंड देन आई वाज वर्किंग. उसके बाद मेरी पूरी फैमिली मेरे लिए शिफ्ट हो गई. सो या बिग बिग थिंग, मेरी पूरी फैमिली मेरे लिए मुंबई शिफ्ट हो गई है. सो नाउ वी ऑल स्टे टुगेदर. सो बहुत बड़ा सपोर्ट हो जाता है जो फैमिली यहाँ पर हो. तो हाँ, ऐसे शुरुआत हुई थी. और सब लोगों को एक्चुअली बहुत ये लगता है दैट बीइंग एन एक्टर इज़ वेरी इजी, यू नो, गुड फेम, गुड मनी, सक्सेस, पार्टी, लव, जो कि मेरे लाइफ में नहीं है एक्सेप्ट ऑफ माई फैमिली लव. तो ये सारी चीज़ें सबको बहुत ईजी लगती है. बट यू नो देर सो मच, यू नो देर सो मच ऑफ एफर्ट्स एंड हार्ड वर्क बिहाइंड दैट सक्सेस विच अ लॉट ऑफ पीपल डोंट नो. They feel it's very easy, it's not easy. One day I realized that it's very difficult to be an actor. I'll tell you when. I was shooting for something, I got injured very bad. And because it was outdoor location, to mujhe wo sare sequence karne the, mujhe pura schedule khatam karna hi tha. But now I'm injured and I'm a cry baby, okay? I'm a big time cry baby. Mujhe choti se chot lag jaye to main bahut roti, aur wo to bahut zyada hi chot lag gayi thi mujhe. So I started crying, but then एक वर्कोहॉलिक जैसा इंसान होता है ना, मुझे ये था मुझे काम करना है. दिस ये ठीक है, चोट वो लगती रहेगी, हालांकि आई एम क्राइंग, बट देन मुझे काम करना है. वो स्केड्यूल ख़त्म करना ही था. एंड आई हैड ऑल माय एक्शन सीक्वेंस, माय स्ट्रगल सीक्वेंस वेर आई एम रनिंग बिहाइंड अ कार, आई एम वेयरिंग ऑल दिस घाघरा एंड ऑल दैट बिग स्टफ, एंड उस चोट के साथ. एंड आई एम स्वेटिंग, क्योंकि मैं धूप के बीच में शूट कर रही हूँ. आई एम स्वेटिंग, यू नो, स्वेट इज़ रोलिंग ऑल ओवर माई बॉडी, on my wound where I got hurt. It was so difficult. I burst into tears and I was like, mujhse nahi ho raha hai, I am crying. So they gave me break that you want to see doctor or something. Doctor ko dikhane ke baad bhi mujhe shoot to karna hi tha. To wo doctor plus injection, jisse main bahut darti hu, wo sab ke baad bhi I am shooting. And us pure din ko khatam hone mein I felt it was a long day and I am crying. Main raat ko sirf ro rahi hu. क्योंकि आई नो डीपली इट वॉज हर्टिंग मी सो बैड कि आई फील दैट आई डेंट परफॉर्म वेल बिकॉज आई वॉज हर्ट. सो मच ऑफ आई वॉज इन डिलेमा कि मैंने क्या परफॉर्म किया, कैसे किया, प्लस आई एम हर्ट नाउ, आई डोंट नो, यू नो, हाउ मच टाइम लेक टू क्योर. तो ये सारी चीज़ें होती हैं. दैट डे आई रियलाइज बींग एन एक्टर इज़ अ डिफिकल्ट जॉब. आपका एक्चुअली ब्लड एंड स्वेट रियली मैटर्स, योर हार्ड वर्क रियली मैटर्स. सो इट्स नॉट ईजी टू बी एन एक्टर, इट्स नॉट एट ऑल ईजी, यू नो, इट टेक्स ऑल योर एनर्जी, ऑल योर एफर्ट्स, एवरी थिंग. सो येस, मुझे रियलाइज़ हुआ कि एक्टर बनना इतना आसान नहीं है अब, पर यही है जिससे मैं प्यार करती हूँ, ये मेरा प्रोफेशन है जो मुझे करना है. आई एम टू यंग टू आई थिंक गिव स्पीच हियर अबाउट एक्टिंग एंड ऑल दैट. मुझे लगता है कि एज रियली डजेंट मैटर फॉर मी, इट्स जस्ट अ नंबर. यू नो, आप अभी से हार्डवर्क शुरू करोगे या फिर उस हार्डवर्क की अहमियत समझोगे, इट विल बी बेस्ट फॉर यू. सो येस, दैट्स हाउ आई स्टार्टेड माई करियर एंड अभी इट्स गोइंग ऑन एंड ऑन. और सिंपल है, लोगों को ऐसा लगता है दैट दे हैव गोल इन देयर लाइफ और हम सब उस गोल के पीछे भागते ही हैं. इवन आई हैव माई गोल, मुझे चाहिए मेरी फैमिली मुझ पर सुपर डुपर प्राउड. दिस इज़ वॉट I want in life, that I want to make my family proud on me. So इस goal के लिए मैं बहुत सारी मेहनत करना चाहती हूँ और खुद को भी एक स्टेज पर देखना चाहती हूँ. बट मैं ये नहीं चाहती कि मैं अभी से सिर्फ उस गोल के पीछे भागूँ, उसके पीछे स्ट्रेस करूँ. I don't think so it's the right way to reach your goal. Just enjoy the process. You know, ये struggle period होता है एक जहाँ पे, you know, आप rejection देखते हो. Rejection is something in this industry, it's not easy to take. बहुत सारे लोग ना बहुत ही डीमोटिवेट हो जाते हैं कि हम तो यहाँ भी सेलेक्ट नहीं हो रहे, वहाँ भी सेलेक्ट नहीं हो रहे. सो रिजेक्शन इज़ नेवर योर फॉल्ट, रिजेक्शन इज़ नो वन्स फॉल्ट. इट्स जस्ट लाइक मे बी यू डोंट रियली फिट इन टू अ स्पेसिफिक एस्पेक्ट, यू नो, बट देर आर थाउजेंड ऑफ अदर थिंग्स वे यू माइट फिट इन. तो आप हमेशा ये चीज़ सोच के रखो कि इट्स ओके इफ दिस इज़ नॉट मेंट फॉर यू, समथिंग बेटर वेटिंग फॉर यू. दिस इज़ ऑलवेज बेटर इन योर लाइफ. एंड आई बिलीव वन थिंग जो मेरे मॉम डैड ने मुझे सिखाई है, जो मैं अब बहुत ज़्यादा बिलीव कर रही हूँ, पहले नहीं करती थी, दैट वॉट एवर हैपन्स हैपन्स फॉर अ रीज़न एंड हैपन्स फॉर अ गुड रीज़न. जो होता है लाइफ में वो बहुत अच्छे के लिए होता है. सो नाउ आई बिलीव दैट, यू नो, समवेयर आई हैपन टू बी अ डांसर, देन आई हैपन टू बी इन दिस इंडस्ट्री, यू नो, इट इज़ ऑल कनेक्टेड. आपकी डेस्टिनी का लिखा आप तक आएगा ही, इट विल कम टू यू नो मैटर हाउ. सो लेट्स जस्ट नॉट क्रिप अबाउट मुझे ये नहीं मिला, मुझे वो नहीं मिला. आई नो इट्स अ सैड पार्ट, मुझे भी बहुत बुरा लगता था
जब मुझे लगता था यार ये रोल मुझे टचवुड, मैंने बहुत रिजेक्शंस नहीं देखे हैं टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैंने बहुत रिजेक्शंस नहीं देखे, बट यू नो दिस फीलिंग वेयर यू एक्चुअली वांट टू प्ले अ पार्ट, मुझे ये कैरेक्टर करना है, और वो आते आते निकल जाता है हाथ से, तो वो फीलिंग बहुत बुरी होती है, वो फीलिंग बहुत सैड होती है. बट देन मेरे मॉम डैड एज माई पिलो, दे वो ऑलवेज देयर टू चेयर मी अप दैट इट्स ओके बेटा, समथिंग एल्स इज वेटिंग फॉर यू. And the best is waiting for him. Like you guys are parents, no? You guys say, आप लोग तो बोलते ही हो, but I'm feeling that pain. और उसके एक हफ्ते बाद, एक महीने बाद, actually कुछ ऐसा होता था जिस पर मैं believe करती थी, guys were right. This that script जिसके लिए मैं इतना रो रही थी, वो मेरे लिए बनी नहीं है. तो अब मेरे लिए जो अच्छा बना है, वो finally मेरे पास है. So अभी मेरी life के बहुत अच्छे shows रहे हैं. You guys must have seen me in a couple of shows like Khakar Wadi, and recent is Ishq Par Zor Nahi, where I'm playing Ishqi. This Ishqi is very, very risky, is my hashtag dialogue. Akshita is not risky, to be very honest. So yes, which is soon going off air this month, 20th of August is the last telecast of my show. I'm gonna miss this journey, but you know, that's what I'm saying, experience ke saath na har cheez aa jati hai. Experience karte jaane ke baad na actually you reach to your goal. और इतना सीखने मिलता है. स्टार्टेड माई करियर तो मैं एक चाइल्ड एक्टर से मैंने शुरू किया था, और फर्स्ट टाइम जब मैंने शायद कैमरा फेस किया था, आई वॉज नॉट रियली नर्वस, बट आई वॉज नॉट वेरी कॉन्फिडेंट ऑल्सो. आई वॉज इन द मिड वे, यू नो, समवेयर इन द डिलेमा. वो बचपन से थोड़ा कॉन्फिडेंस तो था कि अरे मैं कर लूँगी, मैं ही तो हूँ ऐश्वर्या राय, वो बचकानी हरकतें होती हैं, उस वजह से थोड़ा सा कॉन्फिडेंट था. बट वो फर्स्ट टाइम कैमरा फेस किया तब मुझे पता था ओ माई गॉड ये क्या फीलिंग है. उसके बाद से देखिए आज जहाँ पे कैमरा मेरे लिए बहुत बहुत मैटर करता है, एक एक्टर के लिए, एक आर्टिस्ट के लिए बहुत ज़्यादा मैटर करता है कैमरा, तो उसकी अहमियत समझती हूँ आज मैं, और वो हमारे लिए कितना इम्पोर्टेंट है, वो हमें कैसे दिखाता है, उसकी अहमियत जानती हूँ. सो आई थिंक एक्सपीरियंस के साथ साथ चल चल के ना आप हर चीज़ सीखते हो, एंड यू शुड ऑलवेज इन्जॉय द प्रोसेस टूवर्ड्स योर सक्सेस. And just, this is my quote, and I truly believe that dream big, work hard. सपने बड़े देखो, सपनों पे किसी ने पाबंदी नहीं लगाई है. देखो मैंने भी देखा, where I had no idea that, you know, मैं इस इंडस्ट्री में आऊँगी, या फिर एक मुझे leads मिलेंगे, या फिर मैं एक, you know, people will start loving me. I had no clue, but then this happened. Because मुझे लगता है मैंने सपने भी देखे, और उनके लिए मैंने और मुझसे ज़्यादा मेरी फैमिली ने हार्डवर्क किया. सो आई थिंक मैं इस वजह से यहाँ पर पहुँची भी हूँ. सो ड्रीम बिग, वर्क हार्ड, देखो सपने उनके लिए, लेकिन हार्डवर्क प्लीज करो, क्योंकि सपने देखने से कुछ नहीं होता है, हार्डवर्क रियली मैटर्स, इट रियली मैटर्स. तो करो जितना हार्डवर्क हो सकता है, एंड अपने गोल के पास पहुँचो, एंड बी हैप्पी, एंड जस्ट बी ग्रेटफुल फॉर एवरीथिंग इन लाइफ. आई एम ग्रेटफुल फॉर माई फैमिली, कि इतनी अमेजिंग फैमिली मुझे मिली है. सो येस, आई एम अमेजिंग, आई एम अमेजिंग बिकॉज ऑफ माई फैमिली. तो आई एम ग्रेटफुल, आई एम थैंकफुल टू द डेस्टिनी, टू गॉड, मुझे इतना सब कुछ देने के लिए. किसी के पास कुछ भी नहीं होता, किसी के पास बहुत कुछ होता है. कई बार एक ऐसा एक्टर जो बहुत डिजर्विंग है, वो कुछ नहीं कर रहा होता, कई बार ऐसे एक्टर्स आ जाते हैं जिन्होंने कोई हार्डवर्क नहीं किया होता है, जिन्होंने, आई एम बीइंग वेरी ब्लंट हियर, वेरी ब्लंट, बिकॉज दिस इज द फैक्ट. कई बार कुछ एक्टर्स इतनी मेहनत करते हैं, खुद को पॉलिश करने के लिए इतना कुछ करते हैं, बट उनको वो अचीव नहीं कर पाते, विच इज़ अ सैड पार्ट, एंड आई फील रियली सैड. बट कई बार कुछ लोगों को बिना मांगे, बिना कुछ हार्डवर्क किए इतना कुछ मिल जाता है, तो दिस इज़ अ सैड रियलिटी. बट इससे डिमोटिवेट नहीं होना है, नो, हम हार्डवर्क करेंगे और हमें मिलेगा. मेरी फैमिली ने किया है, तो आई थिंक मैं यहाँ पर हूँ, and I'm really thankful. So yes, when I got a call for TED talk, I was like, will I be able to inspire anyone like me? But I feel ke keeping this inspiring part apart, I got a chance to actually speak about my own story, about my own experience in front of you guys, which really means a lot. Life mein logo se milna, experience share karna, आई थिंक ये बहुत ही ज़्यादा अच्छी बात होती है, और ये तो करना ही चाहिए. एज एन एक्टर, यू नो, वी गेट टू मीट पीपल, वी ऑब्जर्व देम, एंड पीपल माइट आस्क मी के हु एंड व्हाट हैज़ बीन माय इंस्पिरेशन इन लाइफ. तो मेरे लिए कोई एक स्पेसिफिक इंसान मेरी इंस्पिरेशन नहीं रहा है, टू बी वेरी ऑनेस्ट, बट येस, इट हैज़ ऑलवेज बीन माई फैमिली. मेरी फैमिली जिन्होंने इतना हार्डवर्क किया है, जो मेरे लिए हमेशा साथ रहे हैं, जिन्होंने मेरे हर डिसीजन पे हाँ किया है, नो मैटर वॉट. ऑब्वियसली गलत डिसीजन पे हमेशा टोका भी है,
तो मेरे लिए मेरी फैमिली और ये गोल, समटाइम्स योर गोल बिकम्स योर इंस्पिरेशन, यू नो. तो मेरे लिए मेरा ये गोल दैट आई वांट टू मेक माय फैमिली प्राउड ऑन मी इज माय इंस्पिरेशन. एंड अपनी दुआ ऐसे साथ में रखना तो शायद मैं वो कर पाऊँ. सो दैट्स इट. मुझे लगा नहीं था कि इतने पेशेंस के साथ सब सुनेंगे, बट थैंक यू सो मच फॉर जेलो पाइंग मी, एंड थैंक यू सो मच, थैंक यू टेक टॉक्स फॉर हैविंग मी. थैंक यू.